और यह जैन निकले नंबर एक के जैसे के साथ और पहला पेड की कमान वो है जैन के कंधे के ऊपर। बुढ़ा रिलायंस नवा पारा इस समय तहार का पहला रेड ले रहा है। राइट रेडर जैन नीचे लंबे कट के रेडर है, काफी अच्छे खिलाड़ी भी है जैन, लेकिन कुछ समय पीछे हम देखें सीजी के पीएल से थोड़ी सी उससे पहले चोटिल नजर आए रहे जैन, और इसमें तबाव का हर काम कर गए। यहाँ से डिफेंस ने बखूबी काम करके दिया, अंडर नाइन की वजह से दोनों थाई पर गए और दोनों थाई पर जाने के साथ साथ टेकल के जरिए डिफेंस के जरिए पहला अंक सुनिश्चित किया स्कोर बोर्ड पर। जैन राउंड अप के साथ नंबर एक की जर्सी के साथ महत्वपूर्ण यहां से घेराबंदी इस मरतबा बन गई है दोनों डिफेंस का। सांचेस वारियर्स टेकल के जरिए पहला अंक सुनिश्चित किया, दोनों छोर से वो पहला अंक सुनिश्चित हो गया है। महत्वपूर्ण दोनों छोर से टेकल के जरिए ही दोनों टीमों ने अंक सुनिश्चित किया पहला अंक। देखना यह होगा इस मरतबा एंकल छूट गई कॉर्नर से और जब तक ओवर करते सेंट्रल लाइन महत्वपूर्ण दो डिफेंस का शिकार और करके वो अपने दहलीज पर सुरक्षित पहुंचा रेडर। महत्वपूर्ण रूप से नंबर एक की दर्शी जो रहे। दूसरी ओर इस समय लाइन्स को दहाड़ना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी। शांति सवार या शांति से ही सही, लेकिन तीन अंक इस समय बढ़त पर नजर आ रही है। शांति का परिचय देने के साथ साथ कितने शांत हैं ये वो देख पा रहे हैं। दूसरी ओर इस समय मितेश दूसरी ओर और यहाँ से हम देख पा रहे हैं जहाँ एक और चार के मुकाबले तीन अंकों की बढ़त है वो है पुरवा के पास। शांति सवारियस जहाँ पांच खिलाड़ियों का मजबा नंबर चार के जैसे के साथ राइट के रेडर और इस बार फिर से डिफेंस के घेराबंदी बन गए और एकल के जरिए एक अंक और सहेजा अपने पाले में। महत्वपूर्ण रूप से हेमचंद नंबर एक की जर्सी के साथ सुपर टेकल का मौका है इस समय। क्या सुपर टेकल अजमाएगा बुढ़ादेव लायंस, क्या शिकार कर जाएगा दो शेर है इस समय कोर्ट के ऊपर। सुपर टेकल का मौका, ये देखने वाली बात होगी क्या सुपर टेकल 30 सेकंड के अंदर क्या सुनिश्चित कर पाएगा और मैच को पूरा किया सुनिश्चित खींचा इस समय। सुपर टेकल का दो अंक सुनिश्चित होगा अब कहीं जा करके। इस बीच टाइम आउट भी बुला लिया है, दबाव पार किया था, अब कहीं जा करके जयंत है कोर्ट के ऊपर। जयंत चल गए तो जरूर वो अंकों की तालमेल बनेगी, अन्यथा शिकार कर गए तो तोरवा अपने इलाके के ऊपर कामयाब होती नजर आएगी। बहरहाल बोनस निश्चित जरूर किया है, तीन की वो तिकड़ी है। फिर से इस मरतबा क्या सुपर टेकल कर जाएगा जी नहीं, अंत में काफी अंदर गए अंतर नाइन का शिकार किया टच के सहारे एक अंक और सहेजा अपने पाले में। जयंत जिस तरह से एक एक अंक जुटाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी डिफेंस कुछ अंकों को सहेज ले तब कहीं जाकर के बाद बनेंगे और सहेजने का काम डिफेंस का है। रेडर वो मौके बनाएंगे जरूर उस अंक के साथ में उस टच के अंक के साथ में, लेकिन उसको सहेजने का काम उसकी रखवाली करने का काम होगा वो है इस समय। यहाँ से चतुराई भरी खेलिए होगी कि डिफेंस दे दे और जैक अपने आप को सुनिश्चित कर ले तो रेड का मौका बनेगा, लेकिन क्या डिसीजन निकल के आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। टच सुनिश्चित कर तो साथियों को भी चाहिए और बखूबी वैसे किया डिफेंस ने। एक मौका बन रहा है जयंत के लिए रेड का और रिवाइवल की आवश्यकता भी है जयंत के टीम के लिए। बुढ़ादेव लायंस जहां उन लायंसों को दहाड़ना होगा, बाहर अभी तमाम लायंसों का शिकार कर दिया गया है, सभी पॉलियन पर इस समय विश्राम कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं जाकर के एक एंट्री हुआ है कॉलिंग में देखना पड़ता की जर्सी के साथ। अरे तो कौन है रहन को इंतजार के फोन लगा देते हैं अब कहीं जाकर के जिस तरह से बढ़त है क्या उसको बना करके रखेगा। यहाँ से शांति सवार यस ये देखने वाली बात होगी और हेमचंद हकार के ऊपर सुपर टेकल का मौका अब ये देखने वाली बात होगी। सुपर टेकल में इक्वल का मुकाबला क्या हो चलेगा।
इसी दिन क्या होगा, आसमानी दुनिया क्या आएगी, दो आसमानी बल का मुकाबला, वनिश का मुकाबला, जहां से सात अंक पर इस समय पुरहदय लाइन्स नवा पारा, वही शांति सवारी कोरवा सात अंक पर चैन प्रहार के ऊपर नंबर एक की जर्सी के साथ। राइट के रेडर जरूर है और दूसरी मरतबा दूर वाले कॉर्नर को पीछे धकेला रनअप के साथ में, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से, लेकिन खाली खींचने के साथ साथ तो खतरा भी टला नहीं है ऑल आउट का, यहां से ऑल आउट का खतरा भी बना हुआ है बुढ़ादेव लायंस के लिए। जयंत यहां से शिकार किया रेडर का, एंकल पर गए और सुपर टेकल का मौका इस बार भी अपने हाथ में भुना लिया है बुढ़ादेव लायंस, वो सुपर टेकल का दो अंक सहेजा अपने पाले में, इकट्ठे दो अंक निश्चित, आधा यही होता है सुपर टेकल ऑन हो तो, कैच रुक जाए तो बात बनती है, अन्यथा कैच छूट जाए तो ऑल आउट की बात भी बनती है, ये भी ध्यान में रखना होगा खिलाड़ियों को। बहरहाल इस समय चार का डिफेंस है, शांति सवारियस कोरवा के लिए दो दो की चेन बंदी दोनों कॉर्नर पर और प्रहार के ऊपर जयंत, अंत में खाली खींचा 30 सेकंड के दायरे में। दूसरी ओर रोहित के इंतजार डू ऑर डाई का हो रहा है और डू ऑर डाई का इशारा भी है, जिस तरह से रेडर ने अपने आप को खींचा कोरवा और इंतजार ये रहा कि डू ऑर डाई, और डू ऑर डाई में नंबर दो की जर्सी के साथ में इस समय यज्ञेश है प्रहार के ऊपर, वो दायित्व उनके कंधे के ऊपर 30 सेकंड के उस दायरे में अंक के साथ सुनिश्चित करेंगे, बोनस ऑफ है रेडर के लिए, यज्ञेश नंबर दो के जैसी के लिए अंदर गए, फिंगर टच का इशारा, क्या 30 सेकंड के दायरे में अंक के साथ सुनिश्चित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसा हुआ नहीं कि वो सेंटर लाइन कवर कर जाते, पूरी डिफेंस आकर के घेराबंदी किया और घेराबंदी में महत्वपूर्ण रूप से यज्ञेश को रोक करके रखा महत्वपूर्ण रूप से। सुपर टेकल का मौका अभी भी है और डिफेंस जहां से तीन की ओर टिकड़ी है और जयंत एक छोर पर अकेले और दूसरे छोर पर दो डिफेंस की ओर चेन बंदी, यह देखने को मिला काफी लंबे समय से, वो डिफेंस हालांकि अंक कोई खास बड़ी छोटी है नहीं, महज एक अंक का ही बढ़त नजर आ रहा है नवा पारा के पास बुढ़ादेव बुल्स, जहां चलना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी जयंत के लिए। बुढ़ादेव लायंस इस मरतबा फिर से महत्वपूर्ण रूप से और एक लंबा सा स्टैंड खींचने का प्रयास जरूर कर रहा है, हाल में रेडर को अंक चाहिए इस समय राजेश है, इस समय प्रहार के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से क्या सुपर टेकल का मौका बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से वो छूट गया था जरूर कॉर्नर से, लेकिन छूटने के साथ जयंत ने पीछा किया और पीछा कर टाइम आउट के बाद एक लंबी से सायरन ऑफिशियलों की, जहां से जयंत ही निकले अपने कोर्ट से शांति सवारी तोरवा के कोर्ट के ऊपर, ऊंचे लंबे कट के रेडर लैग चलाया अपनी राइट कॉर्नर टीम की लेफ्ट कॉर्नर का, चार का और डिफेंस है दूर वाले छोर के ऊपर, इस बार फिंगर चलाया कॉर्नर इनके ऊपर, सफलता हाथ लग गए और सफलता हाथ लगने के साथ साथ एक अंक बढ़त का और सहेजा, एक दर्जन अंक पर इस समय बुढ़ादेव लायंस नवा पारा, वही ठहरे स्कोर के साथ आठ अंक पर है शांति सवारी तोरवा जयंत। ज
जयंत ही निकले भैया, क्षमा चाहेंगे। कुछ देर आंखों देखा हाल हम आप तक तकनीकी प्रॉब्लम के बदौलत नहीं छोड़ पाए। जयंत है तीन की टिकड़ी, क्या शांति सभा अध्यक्ष इस समय तोरबा उस तीन की टिकड़ी में सुपर टैकल कर जाएंगे। अंत में 30 सेकंड के दायरे में जयंत ने अपने आप को खाली और इसी के साथ पहले हाथ का खेल यही समाप्त, जहां दूसरे हाथ का पहला रेड ले रहा है इस समय शांति सवारियस तोरवा रोहित के रूप में। नंबर तीन की जर्सी पांच का डिफेंस है इस समय बुढ़ादेव लाइंस के कोर्ट के ऊपर, जहां बढ़त पर नजर आ रही थी। स्कोरबोर्ड के तकनीकी प्रॉब्लम के लिए क्षमा चाहेंगे जरूर, लेकिन बढ़त पर इस समय बुढ़ादेव लाइंस की टीम है। दूसरे हाफ का खेल की शुरुआत हो चला है और तीन की तिकड़ी क्या सुपर टैकल कर जाएगी यहां से शांति सवारियस तोरवा। तीन की ओर तिकड़ी सुपर टैकल का मौका, यहां से सुपर टैकल कर जाती है तो मौके बनेंगे तोरवा के लिए, लेकिन सुपर टैकल से वंचित रह जाते हैं तो ऑल आउट का खतरा भी बनेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां से 30 सेकंड के दायरे में अपने आप को सुनिश्चित खींचने की तैयारी में जयंत और पूजा भी सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर इस समय नंबर तीन की जर्सी के साथ और टच का अंक सुनिश्चित करने ही होंगे, तब कहीं जाकर के वो रिवाइवल मिलेगा जरूर शांति सवारियस तोरबा के लिए। लेकिन क्या वो मौका देगा डिफेंस बुढ़ादेव लाइंस की टीम, जहां पांच लाइंस इस समय कोर्ट के ऊपर अपने घर रखवाली कर रहा है, अपना क्षेत्र रक्षण कर रहा है। वहीं दूसरी ओर तीन का और टिकड़ी डिफेंस अभी भी कोर्ट के ऊपर बना के रखा है। हम यूं कहें कि जोखिम न लेना मतलब मैच को भी चला रहा है तोरबा शांति सवारियस, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि समय गुजर रही है वो बात अलग है, लेकिन वो ऑल आउट से भी अपने आप को बचा करके रखा है। लेकिन इस मरतबा क्या ऑल आउट पर जा रही है इन दोनों, इकट्ठे पांच अंक सुनिश्चित हो रहे हैं थोड़ी सी गलती के बदौलत, इकट्ठे पांच अंक दो अढ़ाई का रेड। नंबर एक की जैसे ऑल आउट के बाद ऑल इन पूरी टीम इस बार उस मजबे के साथ, सात खिलाड़ियों का मजबा बोनस का अटेम्प्ट लिया, सफलता भी हाथ लगी नंबर एक की जर्सी को, एक अंक की भरपाई कर ली है। चैन थी निकले बुढ़ादेव टीम के और लायंस लीन शेर, वो शेर है इस समय जयंत अपने टीम के और बखूबी देखते ही बना है। डिफेंस थोड़ी सी जहां से ढीली मिलती है वहां बखूबी वो शिकार कर सकते हैं जयंत, और शिकार करने में माहिर भी नजर आए हैं इस मुकाबले में। और मुकाबला दूसरे हाफ का शुरुआत हो चला है और समय और स्कोर बोर्ड के लिए हम तमाम दर्शकों से पुनः क्षमा चाहेंगे, जिसकी आंखों देखा स्कोर और समय आपको अवगत नहीं करा पा रहे हैं। यज्ञेश का एंकल होल्ड 18-9 की स्थिति, नवापारा ने अभी तक 18 अंक अर्जित किए हैं जबकि तोरवा का अंक 9 अंक है, मतलब जस्ट डबल। देखते हैं कौन कवर करता है और कौन लीड लेता है। 9-18 के मुकाबले महत्वपूर्ण 9 अंकों की बढ़त है इस समय बुढ़ादेव लाइंस नवापारा के पास, और उस बढ़त को कायम करके क्या रख पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्या सहेज पाएगा, क्या उस अंकों की रखवाली कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से वो समय गुजरेगा और गुजरते समय में शांति सवारियस तोरवा इस समय प्रहार को अपना जारी रखा है, लेकिन कतई तोरवा का वो प्रहार को अपने आपस में लेकर के कैच को पूरा करती नजर आ रही है। वो शेरों का शिकार इस समय रेडर को हर हाल में अंक चाहिए और बोनस भी ऑफ है तो टच का अंक भी सुनिश्चित होंगे और कैच को पूरा जरूर किया और कैच पूरा होने के साथ साथ एक अंक की भरपाई जरूर किया यहां से तोरवा शांति सवारियस नंबर एक की जर्सी के साथ। 6 का डिफेंस और 2-2 की ओर चेन बनती कवर के, यहां से कितने अंक सुनिश्चित होंगे, महत्वपूर्ण आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। वो चला है जयंत निकले डिफेंस
जायसवाल जी का कहने का मतलब यह है कि डिफेंस पक्ष से चल रहा है, टीम किसी का भी हो, लेकिन यहाँ इस कोर्ट के ऊपर डिफेंस जिनकी चल गई मुकाबला उन्हीं का है, ये कहना है जायसवाल जी का। बहरहाल जिस तरह से डिफेंस ने अजमाया शांति सवाल यश तोरवा ने, लेकिन गेंद बड़े तेजी के साथ आए, इकट्ठे एक डिफेंस को अपने कोर्ट पर धकेलने के साथ वो अंक सुनिश्चित किया महत्वपूर्ण रूप से, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी ओर अंतिम पाँच मिनट का इशारा भी हो रहा है मैच रेफरी है साहू जी, और पाँच मिनट के खेल में जहां 12 और 19 के आसपास का स्कोर हमने देखा था, और उसमें एक अंक और भरपाई कर लिया है यहां से शांति सवाल यश तोरवा की टीम। अंतिम पाँच मिनट जयंत का शिकार कर जाती है शांति सवाल यश, तो मौके बनेंगे लेकिन क्या कतई मौका देगा जयंत शिकार करने का, वो खुद ही शेर है और शेर का शिकार यदि ठुंड में किया जाए तो बेहतर होगा। काफी लंबे समय से हमने देखा है एक दो खिलाड़ी तीन खिलाड़ी इकट्ठे शिकार कर जाते हैं, बुढ़ा देव के लाइन से जयंत इस मरतबा फिर से तोड़ी और तोड़ने के साथ उनका लाइन को भर किया, आसमानी तोड़ लिया सुनिश्चित हो रही है महत्वपूर्ण रूप से। दूसरी ओर इस समय नंबर एक की जर्सी के साथ लगातार इस बार गलती हो गई डिफेंस से, बुढ़ा देव लाइन दो शेरों का शिकार छूट गया, तो शेर इस समय हुए ढेर और शेर जहां ढेर हुए वहां से दो अंक सुनिश्चित हुआ बुढ़ादेव लायंस के लिए 22 नवा पारा और 15 तोरवा। बंधन जी जैसे मैंने कहा था तोरवा कवर करेगा क्योंकि ये ग्राउंड कैच वाला है और यहाँ से रेड में मुश्किल होता है और दूसरा ग्राउंड जो है वो रेड वाला वहाँ से रेड निकलता है और इस तरह से लगातार कवर करता हुआ धैर्य बना करके तोरवा कवर कर रहा है, धैर्य भी रखना है नवा पारा को और 4-1 के बीच में मुकाबला है। जी सही है जायसवाल जी, धैर्य का खेल ही कबड्डी है और यहाँ से देखिए लगातार उस धैर्य को सहेजने के साथ अपनी आक्रामकता भी दिखा रही है तोरवा। शांति सवारियस नाम जरूर है, अंतिम 3 मिनट का इशारा भी हो रहा है साहू जी की ओर से और इस 3 मिनट की खेल में क्या कितने अंकों की भरपाई कर जाएगी शांति सवारियस तोरवा। 17-22 की स्थिति हो गई है, कहां जस्ट डबल था तो निश्चित रूप से जो है रोमांच है, दर्शकों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, बताइए कवर कर पाएंगे कि नहीं। हाँ बोल रहे हैं बहुत सारे, कई लोग जो है नहीं बोल रहे हैं। जहां से 2-1 के बीच मुकाबला ऑल आउट दहलीज पर धकेल जाती है तो इकट्ठे यहां से यदि दो धंधो हो जाती है तो 4 अंक होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और प्लस पॉइंट ये है कि जयंत का शिकार किया है, मुख्य रेडर का शिकार किया, डिफेंस इस समय कोर्ट के भरोसे के साथ 5 पॉइंट किया है। अंतिम 2 मिनट का इशारा भी हो रहा है, इस 2 मिनट में क्या दो अडाई, जहां से ये देखने वाली बात होगी बिना अंक सुनिश्चित कर जाते हैं 30 सेकंड के दायरे में तो मौके बनेंगे, एक अंक सुनिश्चित हो गया है, रिवाइवल मिल गया है, एक की जगह 2 खिलाड़ी है इस समय कोर्ट के ऊपर, नंबर 7 की जर्सी एक कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर नंबर 5 की जर्सी के साथ और कॉर्नर राइट सॉरी लेफ्ट कॉर्नर का शिकार किया लेग चला करके। 19-23 की स्थिति हो गई है, मैच बना पर रोमांचक स्थिति में आ गया है, कब किस करवट बदले वो पता ही नहीं चल रहा है। 19-23 के मुकाबले यहाँ से ऑल आउट कर जाती है डिफेंस, यहाँ से जोखिम ना ले तो बेहतर होता, अब मौका बन गया, यहाँ से बुढ़ा देव लायंस का शिकार निश्चित हुआ, अब ऑल आउट पर जा रही है टीम, एक धंधो साथ ही साथ काम कर जाती है तो पलटवार पक्का है सर जी। 1 मिनट का खेल है और इस 1 मिनट के खेल में एक ही अंक ऊपर पा रहा है जयंत अपने आप को, अपने पूरी टीम को, बुढ़ादेव लायंस यहां से 7 खिलाड़ियों का मजबा वो शिकार करने के लिए तैयार है, लेकिन जयंत और शिकार सुनिश्चित करने क्या देगा ये देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण मुकाबला है,
धड़कने तेज कर देने वाली मुकाबला, और जहां से एक अंक ऊपर ही सही लेकिन डिफेंस क्या कर जाएगी यहां से, ये देखने वाली बात होगी। यहां कैसे यहां तोरवा यदि बोनस भी एक अंक लेके आ जाती है तो बराबर की स्थिति हो जाएगी। और ये देखिए कुछ प्रयास तो लगा है इसी तरह से, खेमचंद का एक नंबर के खिलाड़ी है। ये बोनस प्लस वन पॉइंट, मतलब एक अंक से आगे हो गया तोरवा, ऐसा मुझे लग रहा है, स्कोरर बताएंगे। जी सही है, बोनस प्लस पॉइंट, एक अंक से पिछड़ रही थी जरूर लेकिन उस बोनस के साथ अपने आप को एक अंक ऊपर ले चला। अब समय क्या हो रहा है, दो अढ़ाई दो अढ़ाई रेड है, नमक रगड़ने वाली बात। बोनस का अटेम्प्ट जरूर किया लेकिन क्या स्लिप में बाहर है वाला बोनस प्लस कहाँ दी, डिसीजन क्या निकल करके आएगा। ये बोनस करके अच्छे बोनस, थमअप का इशारा तो दोनों छोर से हो चला है और थमअप का इशारा जरूर सुनिश्चित हो गया। इस बड़ा अंतर हो गया बोनस का और इस अंतर होल्ड में क्या इशारा होगा ये देखने वाली बात होगी। जयसवाल जी अंतिम समय पर वो पलड़ा किसका भारी है